इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने WhatsApp बिजनेस में कैटलॉग को कैसे बना सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले WhatsApp बिजनेस को हम क्लिक करके खोल लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है कैटलॉग को ऐड करने के लिए तीन लाइनों पर जाना पड़ेगा, तीन डॉट डॉट पर, इस पर टिक करिए। एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि बिजनेस टूल्स पर जाइए। आप बिजनेस टूल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी कैटलॉग। कैटलॉग पर यहाँ पर आप टिक करिए और यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कैटलॉग मैनेजर। अभी यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ऐड न्यू आइटम का, इस पर टिक करिए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जैसे आइटम का नाम, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं साबुन, ठीक है, तो कुछ भी लिख देते हैं अलग तरीके से, तो उसका प्राइस यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दीजिए, और कंट्री जिस कंट्री में है ये उस पर लगा लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर नॉट कैपेबल आइटम सर्विस नॉन फिजिकल गुड, तो यहाँ पर आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा सी कैटलॉग वगैरह, यहाँ पर मोर फीचर, आपको इसका एक फ़ोटो भी ऐड कर देना है, मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम सेव पर टिक करते हैं। सेव पर टिक करने के बाद ये जो है यहाँ पर कैटलॉग ऐड हो जाएगी, ठीक है, हम इसे सेव होने देते हैं और ये कैटलॉग ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।